सुकेश चंद्रशेखर, ये नाम आजकल खबरों में खूब वायरल हो रहा है, और वजह भी है क्योंकि इस शख्स के ऊपर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ठगी का आरोप लगा है। इस शख्स के साथ बॉलीवुड की कई हसीनाओं के नाम जुड़े हैं, बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हैं जैसे जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही, ये नाम सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से ये शख्स महंगे गिफ्ट देकर बॉलीवुड की एक्ट्रेस को अपने चंगुल में फंसाता था, उनके साथ डेट करता था और फिर ये लोगों के साथ ठगी तो करता ही था। तो अब इस शख्स ने पूछताछ में कई और खुलासे किए हैं। अब नाम सामने आ रहा है जानवी कपूर का, अब नाम सामने आ रहा है सारा अली खान का, अब नाम सामने आ रहा है भूमि पेडनेकर का, कई नए नाम सामने आए हैं कि 200 करोड़ के इस मारटक के साथ कई और एक्ट्रेसेस के भी ताल्लुकात थे, ये उन्हें भी महंगे गिफ्ट ऑफर करता था और उन्हें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ का महाठग जो कहता है कि मुझे ठग कहकर मत बुलाइए, इस शख्स के साथ आपने जैकलिन की कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी थी। इस शख्स ने किस तरीके से जैकलिन के साथ अपनी पर्सनल पिक्स को शेयर किया था जहां पर जैकलिन इसे किस करती हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा नोरा फतेही के साथ इसके क्या रिश्ते हैं, इसने वो भी कबूल किया था। ये किस तरीके से महंगे गिफ्ट देता है, चार्टर्ड प्लेन भेजकर हीरोइंस को बुलाता है, उन्हें लग्जरी स्वीट्स में रुकवाता है, उन्हें 3-3 दिन के साथ उनके साथ स्टे करता है होटल्स में। अब जब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय इस शख्स से पूछताछ कर रहा है तो पूछताछ में कई अन्य खुलासे भी हुए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इसके निशाने पर बॉलीवुड की कई और एक्ट्रेसेस भी थी, जिसमें भूमि पेडनेकर का नाम सामने आया है, इसमें जानवी कपूर का नाम सामने आया है, इसमें सारा अली खान का नाम सामने आया है। ये देखिए, चाहे वो एक्ट्रेसेस कोई भी हों, बात सामने ये नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि उनके इनसे संबंध थे, लेकिन सुकेश ने कहीं ना कहीं ये बात कबूल की है कि उसके निशाने पर कई बॉलीवुड की और भी हसीनाएं थी और सबको वही चीज़ें, ये सबको फ़ोन घुमाना, सबसे बात करना, अलग अलग आइडेंटिटी बताकर उनसे बात करना और फिर उन्हें महंगे गिफ्ट्स ऑफर करना, इस तरीके से ये सब हीरोइंस को अपने ट्रैप में लेता था सुकेश, और ट्रैप में लेने के बाद फिर ये उनके साथ डेट्स करता था और खुद को चमकाने की कोशिश करता था। खैर, अब ये तो आपने सामने देख ही लिया है कि सुकेश ने पिछले दिनों किस तरीके से जैकलिन को निशाना बनाया, नोरा फतेही से अपने रिश्तों की बात कबूली है, तो कई जो नाम सामने निकल कर आए हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, बयानों में क्या कुछ सच्चाई है, इसका पता तो अब जांच एजेंसियां अपने स्तर पर लगा ही रही हैं, लेकिन जो नाम सामने आए हैं इसने खुद इस बात का खुलासा किया है कि इसने किस नाम से उन्हें फोन किया, क्या कुछ ऑफर किया। चलिए अभी आगे की कहानी सुन लीजिए। सुकेश ने सारा अली खान, जानवी कपूर और भूमि पेडनेकर का नाम लिया है। मई 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने टारगेट किया था। 21 मई के दिन सुकेश ने सारा अली खान को व्हाट्सएप मैसेज किया था। उन्होंने अपना परिचय सारा को बतौर सूरज रेड्डी दिया था। इन मैसेजेस में सुकेश ने सारा से कहा था कि वो उन्हें पारिवारिक तौर पर गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा था कि उनकी CEO मिसेज ईरानी ने उन्हें कई बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल ना हो सकी। मिसेज ईरानी सुकेश चंद्रशेखर की असिस्टेंट है जो एक्ट्रेस को सुकेश संग बातचीत करने के लिए मनाती हैं। पिंकी ईरानी ने ही जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश से मिलवाया था। सूरज रेड्डी उर्फ सुकेश लगातार सारा अली खान को मैसेजेस करते रहे, उन्हें महंगे गिफ्ट्स की ऑफर करते रहे। सारा अली खान ने ईडी ने इन्हीं गिफ्ट्स को लेकर पूछताछ की है। सारा ने 14 जनवरी 2022 को ईडी को एक लेटर भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि सुकेश को लगातार गिफ्ट्स लेने से वो इनकार करती रही हैं, लेकिन वो नहीं माने। हारकर सारा ने सुकेश से एक चॉकलेट का बॉक्स भेजने के लिए कहा, जिसके साथ उन्होंने सारा को फ्रैंक मलर की घड़ी भी भेजी। भारत में इस घड़ी की कीमत लाखों में है। अब जरा सोचिए, यहीं से देखिए कि आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, आप पूरा आप रिकॉर्ड देखिए किस तरीके से ट्रैप में लिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बॉलीवुड जैसी चकाचौंध, दूसरा महंगे गिफ्ट्स अगर आप किसी को ऑफर करते हैं, अपने आप को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो शायद किसी को परहेज नहीं होगा। इसी तरीके से सुकेश ने भी किया, लेकिन जैकलिन निशाना बनी, नोरा फतेही निशाना बनी, लेकिन कुछ हीरोइंस निशाना बनने से रह गई और बच गई। फाइनली उन्हें भी महंगी गिफ्ट देने की बात की गई थी, घड़ियाँ गिफ्ट की गई हैं, चॉकलेट्स गिफ्ट की गई हैं, और यहाँ तक की बात गाड़ी गिफ्ट करने की थी,
तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से ट्रैप में लेने की कोशिश की जाती थी। और 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का इस शख्स पर पहले से ही आरोप है। ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसी इस मामले में सीधी पूछताछ कर रही है और देखिए जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है अभी कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और खुलासों की चेन जो है वो अभी लंबी हो सकती है। तो हर खबर से हम आपको लगातार वाकिफ कराते रहेंगे, तो हर खबर से रूबरू कराएंगे ही। इसके अलावा देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।